दोस्तों ये है क्रॉसबीट की तरफ से आने वाली ऑर्बिट इन्फिनिटी 2 का बॉक्स। ये बॉक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि घड़ी यहां पर है, मैंने ऑलरेडी इसको निकाल के पहन लिया है और काफी सारी टेस्टिंग भी कर ली है। दोस्तों वैसे होता जनरली ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका जो 2.0 वर्जन आता है वो और अच्छे फीचर्स के साथ आता है, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि अगर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो थोड़े से और अच्छे फीचर्स डालते हैं और इसी को 2.0 वर्जन के साथ निकालते हैं तो और अच्छा बिकेगा। पर इस बार क्रॉसबीट ने पता नहीं क्या के ये 2.0 वॉच निकाल दी जो पिछली वाली क्रॉसबीट ऑर्बिट इन्फिनिटी से काफी डिसअपॉइंट करती है। मैंने ये घड़ी मंगाई थी आपके लिए रिव्यू करने के लिए अपने पैसे से, ये कंपनी ने मुझे नहीं भेजी है। और जब मैंने इसको टेस्ट किया ना तो मैं शॉक हो गया। एक तो इसमें कंपनी ने एक झूठ भी बोला है आपसे और वो बहुत बड़ा झूठ है, वीडियो में आगे बताऊंगा, वैसे आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा। और दूसरा कि जो फीचर्स इसने इस बार दिए हैं ना वो भी भाई कमाल के हैं। तो अगर आप 6,000 रुपये खर्च करके घड़ी खरीदते हो और वो 1,500 रुपये वाली घड़ी की परफॉर्मेंस देती है तो फिर इतने पैसे क्यों खर्च करना। वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो यहां सामने सबसे पहले मुझे 3 कार्ड्स मिले जिसमें आपको पिछले वाले की तरह ही एक्सटेंड करने के लिए वारंटी एक QR कोड मिल जाता है। दूसरा वाला कार्ड जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एक फ्री स्क्रीन गार्ड के लिए, और तीसरे वाले में इसका यूजर मैनुअल है जिसको आप स्कैन करके पढ़ सकते हैं। इनको हटाने के बाद हमें सामने 2 स्ट्रैप्स मिल रहे हैं जो कि इस घड़ी के साथ, एक के साथ एक फ्री है, और यहां बगल में हमारी घड़ी रखी हुई है। एक स्ट्रैप आपको सिलिकॉन का मिलेगा, ये ब्लैक वाला, इसकी क्वालिटी अच्छी है जैसी पिछले वाली थी। और दूसरा आपको ग्रीन लेदर का स्ट्रैप मिलेगा, ये काफी प्रीमियम लुक देता है। इनमें तो कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किए, ये बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह ही है, जैसे वहां स्ट्रैप मिल रहे थे वैसे यहां मिल रहे हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं पिछले वाले की तरह क्योंकि पिछले वाले से ही तो हम कंपैरिजन करेंगे, तभी तो 2.0 वर्जन पिछले वाले से क्या डिफरेंस है ये हमें पता चल पाएगा। और जो हमारी घड़ी है ये थोड़ी सी पिछली बार से बड़ी कर दी गई है, इस बार ये आपको 1.4 इंचेस के डायल में मिलने वाली है जो देखने में नो डाउट काफी प्रीमियम दिख रही है। और इसका जो डायल है ये मेटेलिक का है, तो मेटेलिक डायल होने की वजह से काफी प्रीमियम दिखती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है आपकी कलाई पे, जो अच्छी बात है वो अच्छी है उसको भी बताना चाहिए। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, अगर कोई एनालॉग वॉच हमने पहनी होती तो वो भी अच्छी लगती। डिजिटल स्मार्ट वॉच का क्या मतलब होता है, क्योंकि वो स्मार्ट होती है इसीलिए तो वो एनालॉग की जगह लोग पहनते हैं, और अगर वो स्मार्ट ही ना हो तो फायदा क्या हम एनालॉग वॉच ही ना पहन लें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्पोर्ट्स मोड और फेसेस तो इसमें भर भर के आपको दिए गए हैं, आपको 25+ फेसेस तो वॉच में ही मिल जाएंगे और इसके अलावा 200+ फेसेस आप इसके ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप भी आप QR कोड से स्कैन करके डाउनलोड कर लेंगे। और इस बार क्रॉसबीट ने जो ऐप चुना है इस वॉच के लिए वो है द फिट, इसके पहले दूसरा ऐप था, इस बार इन्होंने दूसरा ऐप चूज किया है। और अगर बात करें इसके ऑप्शंस की, मेन्यू ऑप्शंस की, तो ये नीचे वाले से डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड खुल जाएगा और ऊपर वाले ये बटन से आपको पावर के लिए या मेन्यू के लिए ऑप्शन मिल जाने वाला है। तो अब मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टेप, स्लीप्स, हर्ट रेट, ट्रेनिंग, BP, SpO2, फोन, यानी कि आप इसे फोन से भी कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं। ये फीचर कंटिन्यू किया गया है, इसमें भी आप फोन से कॉल कर सकते हैं और कॉल काफी अच्छी होती है, मैंने टेस्ट भी की है। आवाज आ रही है सर? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम स्मार्ट वॉच से बात कर रहे हैं, फोन जैसी आवाज आ रही है। साथ ही अगर आप इसको फोन से कनेक्ट कर लेते हैं तो वेदर की इंफॉर्मेशन, मैसेजेस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। आप इसी वॉच से अपने फोन के कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं और म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अपना खुद का 4GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसमें आप 1000 के आसपास सॉन्ग्स डाल सकते हैं, ऐसा कंपनी बोलती है। और इसके लिए आपको ये चार्जर मिलता है जो कि डाटा केबल का भी काम करता है, इसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से लगाइए और आप डायरेक्ट USB स्टोरेज की तरह इसमें गाने लोड कर सकते हैं। और जब आप म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन 3 डॉट्स पे ऑप्शन आएगा, लोकल म्यूजिक में जो गाने इसमें स्टोर हैं वो आप सुन पाएंगे और फोन म्यूजिक से आप फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यहां भी कंपनी ने कटौती की है,
पिछली वाली ऑर्बिट इन्फिनिटी में 8 GB का स्टोरेज था, लेकिन इस बार इन्होंने केवल 4 GB का स्टोरेज दिया है। जो ऑर्बिट इन्फिनिटी थी वो 7000 की थी, ये 6000 में कंपनी ने उतारी है, लेकिन 1000 रुपए कम करके इतनी ज्यादा कटौती कंपनी करेगी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ब्रीथ, AI वॉइस, फाइंड फोन, ये सारे फीचर्स तो कॉमन है और काम भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ये मिल जाते हैं, गेम भी आप खेल सकते हैं, कैलकुलेटर का फीचर भी है और कैलकुलेटर काफी अच्छा वर्क करता है इसमें। लेकिन आप नीचे जब आएंगे तो यहां पर आपको पहले डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता था और वहां पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलता था, जिसके थ्रू आप घड़ी में जो वॉच फेस है, जो डायल है, उसको ऑलवेज ऑन कर सकते थे। उसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते थे, जितनी देर आपको उसको ऑन करना है या और भी ज्यादा टाइम ऑन करना है वो आप यहां पर कर सकते थे। लेकिन अब वो ऑप्शन पूरी तरह से मिसिंग है। यहां पर उसकी जगह पर एक ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन क्लॉक का, जिसमें आप डिजिटल और एनालॉग दो तरह की क्लॉक लगा सकते हो और बस वही ऑलवेज ऑन का काम करेगी, आप उसे कस्टमाइज नहीं कर सकते। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब होता है हमारी जो मर्जी हम वो डायल फिक्स करें और उसको हम ऑलवेज ऑन रखें, पर यहां ऐसा नहीं दिया। जबकि कंपनी ने अपने एड और प्रमोशन में दोनों ही जगह दिखाया है कि आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेबल मिलने वाला है, जिससे आप टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम में सेट भी कर सकते हैं। और यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो एक तरह से पूरी तरह का धोखा है। जी हाँ, अगर आपने कंपनी के एड में दिखाया है, प्रोडक्ट के एड में दिखाया है, तो वो वॉच में होना चाहिए, जो कि नहीं है और ऐसा कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो अगर आप एड देख के ये वॉच खरीदने वाले हैं तो रुक जाइए, क्योंकि वो फीचर आपको इसमें नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जो ऑर्बिट इन्फिनिटी 1 थी उसके सेंसर्स भी काफी बढ़िया काम करते थे, लेकिन इस बार मैंने जब इसको टेस्ट किया तो देखिए ये मेज टेबल किसी भी सरफेस पर भी अगर आप इसको रख देते हैं तो उसका ये हॉल्ट रेट भी बता देता है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं बीपी भी बता देता है, जो चीज जिंदा है ही नहीं, जिसमें जान है ही नहीं, ये उसका भी बीपी बताता है। तो अब आप इसके सेंसर्स पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? दोस्तों इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद अगर आपको एक सस्ती वॉच के फीचर मिले तो आप वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? ये वीडियो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस तरह से बना रहा हूं। मैं बहुत खुश था इस वॉच को मंगाने के बाद, क्योंकि पिछली वाली से काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार कंपनी ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है। सेंसर्स भी बेकार हैं, जो अच्छी परफेक्ट रीडिंग नहीं देते। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का तो झूठ बोला ही है कंपनी ने। पर अगर फिर भी आप इस वॉच को खरीदना चाहते हैं तो इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं। आप इसे डायरेक्ट अपने TWS यानी कि ईयरबड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर AMOLED का इसमें जो डिस्प्ले है वो तो मिल रहा है, ब्राइटनेस अच्छी है, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा इसके फीचर्स बताने का, क्योंकि घड़ी आपको अच्छी लग सकती है, काफ़ी लोगों ने खरीदी भी है। YouTube पर अभी तक इसका रिव्यू नहीं आया है, ये पहला रिव्यू है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर और सच्चा रिव्यू है। ये घड़ी खरीदने से पहले ये समझ लीजिएगा कि ये परफॉर्म कैसा करने वाली है। बाकी आपकी मर्जी, आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आप क्रॉसबीट के फैन हैं ले सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिएगा। सब कुछ सच्चाई मैंने इस वीडियो में बता दी। अगर आपको 1 वाली मिलती है तो उसको ले सकते हैं, इसकी तरफ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको जाना चाहिए। इस वीडियो के बारे में और इस कंपनी के इस वॉच के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो या मैं कुछ कहना भूल गया हूं तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को जागरूक करिए, ये वीडियो उनको भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।